एमएलसी चुनाव का मतदान चल रहा है, हमारे पास जो है साथ मौजूद है एमएलसी से सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह उर्फ वीरेंद्र यादव जी, इनसे बात करेंगे। आखिर आज मतदान चल रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है सर, किस हिसाब से आप देख रहे हैं आज का चुनाव? देखिए अभी तो थोड़ा अर्ली है, अभी मैं इस मतदान केंद्र पर आया हूँ राही पे, शायद 5 वोट पड़ा हुआ है, जो वोट पड़ेगा वो हमारे पक्ष में पड़ेगा और लोग हमको जिताना चाहते हैं। रायबली में तो वैसे भी हम बहुत मजबूत हैं, रायबली में समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में मजबूत हुई है और हमें आज पूरा विश्वास है कि हम मजबूती से परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। सत्ता पक्ष का कितना असर देखिए? सत्ता पक्ष ने तो जो ड्रामा किया है कि शायद इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से ग्राम प्रधानों की जांचें कराई गई, जिस तरह से ग्राम प्रधानों को क्रैश किया गया, ग्राम प्रधानों को बंधक बनाया गया, आपको मैं बताऊं, आप सबको संज्ञान में होगा, रात में जिस तरह से ग्राम प्रधानों को इकट्ठे कर करके पैसे दे करके पुलिस से दबाव बना करके अधिकारियों पंचायत विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने दबाव बना करके जिस तरह से ग्राम प्रधानों को इकट्ठे किया, उन पर दबाव बनाया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि जितना चाहे जितना दबाव बना लें भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी को नहीं हरा सकते और समाजवादी पार्टी अवश्य जीतेगी। अगर बात की जाए तो 2480 मतदाता है जो आप मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर किस तरह से आप अपना कौन सा नंबर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नहीं, हम तो अव्वल नंबर पे हैं और हम जीतेंगे। हमें विश्वास है कि देखिए जनता के चुने हुए हैं तो जनप्रतिनिधि हैं जो इसके मतदाता हैं। जब जनता हमारे साथ है, हम छह विधानसभाओं में अव्वल दर्जे पर हमारा प्रदर्शन रहा है विधानसभा में, तो वही जनता जो हमको जन समर्थन अभी दे चुकी है 1 महीने पहले, उसी जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, नगर पालिका के जो सभासद हैं, उन्हीं जनता के द्वारा तो चुने हुए हैं, तो वो जनता जो हमें समर्थन दे चुकी है उसी जनता से चुने हुए ये जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर से ये हमारे साथ हैं। ये हमारे साथ जो है सपा से एमएलसी प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह उर्फ वीरेंद्र यादव जी मौजूद थे, इनका साफ दावा है कि ये एमएलसी के चुनाव में फतह हासिल करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 12 अप्रैल को क्या रिजल्ट निकल के आता है और किसके सर पर ताश सजेगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।